ये ऑलरेडी पूरा छेड़छाड़ करके लाया हुआ है, तो इसका एक तो 9 पावर था, 9 पावर तो ओके कर दिया, ठीक है। 3-5 का आईसी खराब है, 2 मोसफेट खराब था, 3-5 का जो कोयल के सामने मोसफेट लगता है, फर्स्ट मोसफेट एंड सेकंड मोसफेट, तो ये दोनों मोसफेट जो है खराब था, तो मोसफेट आईसी सारा चेंज कर दिया। अब ऑन हो चुका है, लेकिन ऑन होने के बाद में क्या है, अब आ रहा है डिम डिस्प्ले। डेल का लोगो आ गया बट डिम आ रहा है, ठीक है। और एम्पियर भी अच्छा खासा हो रहा है, 860, इसका मतलब डिस्प्ले आ चुका है बट डिम है। अब देखिए और भी आ गया और डिस्प्ले डिम आ रहा है, ठीक है, ये लोगो दिखाई दे रहा है। इसमें एक ठीक है ट्रांजिस्टर था वो निकाल दिया है इसमें, और इसको हम शॉर्ट करके अभी डिस्प्ले लाएंगे। ठीक है डिस्प्ले आ चुका है, चलाएंगे फिर नहीं। ओके लेकिन दोबारा फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर अप करके फिर ऑन करने जाएगा, ऑन करेगा तो ऑन हो चुका है, लेकिन डिस्प्ले आएगा डिम डिस्प्ले आ चुका है, फिर दोबारा से शॉर्ट करने से आ जाता है डिस्प्ले। ओके अब ये इसको 3 वोल्ट सप्लाई देना होगा, ये तो इसमें अगर जम्पर भी लगा देगा तो हो जाएगा, या तो एक ट्रांजिस्टर लगाना होगा, तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो इतना कुछ खराब था इसका, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।